पहाड़ के कवि मंगलेश डबराल अब इस दुनिया में नहीं रहे, रह गई हैं तो बस उनकी रचनाएं। मेरा दिल। एक दिन जब मुझे यकीन हो गया कि मेरा दिल ही सारी मुसीबतों की जड़ है, इस हद तक कि अब वह खुद एक मुसीबत बना हुआ है, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया और लाचारी के साथ बोला, डॉक्टर यह मेरा दिल है, लेकिन यह वह दिल नहीं है जिस पर मुझको कभी नाज था। डॉक्टर भी कम अनुभवी नहीं था, इतने दिलों को दुरुस्त कर चुका था कि खुद दिल के पेशेवर मरीज से कम नहीं लगता था। उसने कहा, तुमने जरूर मिर्जा गालिब को गौर से पढ़ा है, मैं जानता हूँ यह एक पुराना दिल है, पहले यह पारदर्शी था लेकिन धीरे धीरे अपारदर्शी होता गया और अब उसमें कुछ भी दिखना बंद हो गया है। वह भावनाएं सोखता रहता है और कुछ प्रकट नहीं करता, जैसे एक काला वीवर सारी रोशनी सोख लेता हो। लेकिन तुम अपनी हिस्ट्री बताओ। मैंने कहा, जी हाँ, आप शायद सही कहते हैं, मुझे अक्सर लगता है मेरा दिल जैसे अपनी जगह पर नहीं है और यह पता लगाना मुश्किल है कि वह कहाँ है। कभी लगता है वह मेरे पेट में या हाथों में चला गया है, अक्सर यही भ्रम होता है कि वह मेरे पैरों में रह रहा है, बल्कि मेरे पैर नहीं यह मेरा दिल ही है जो इस मुश्किल दुनिया को पार करता आ रहा है। डॉक्टर अपना पेशा छोड़कर दार्शनिक बन गया। हाँ हाँ, उसने कहा, मुझे देखते ही पता चल गया था कि तुम्हारे जैसे दिलों का कोई इलाज नहीं है, बस थोड़ी बहुत मरम्मत हो सकती है, कुछ रफू वगैरह। ऐसे दिल तभी ठीक हो पाते हैं जब कोई दूसरा दिल भी उनसे अपनी बात कहता हो। और तुम्हें पता होगा यह जमाना कैसा है, इन दिनों कोई किसी से अपने दिल की बात नहीं कहता, सब उसे छिपाते रहते हैं। इतने सारे लोग लेकिन कहीं कोई रूह नहीं, इसीलिए तुम्हारा दिल भी अपनी जगह छोड़कर इधर उधर भागता रहता है, कभी हाथ में कभी पैर में। उस स्त्री का प्रेम। वह स्त्री पता नहीं कहाँ होगी जिसने मुझसे कहा था कि वो तमाम स्त्रियाँ जो कभी तुम्हें प्यार करेंगी मेरे भीतर से निकल कर आई होंगी, और तुम जो प्रेम मुझसे करोगे उसे उन तमाम स्त्रियों से कर रहे होगे, और तुम उनसे जो प्रेम करोगे उसे तुम मुझसे कर रहे होगे। यह जानना कठिन है कि वो स्त्री कहाँ होगी जो अपना सारा प्रेम मेरे भीतर छोड़कर अकेली चली गई और यह भ्रम बना रहा कि वो कहीं आसपास होगी। और कई बार उसके आने की आवाज आती थी, हवा उसके स्पंदनों से भरी होती थी, उसके स्पर्श उड़ते हुए आते थे, चलते चलते अचानक उसकी आत्मा दिख जाती थी उतरते हुए अंधेरे में खिले फूल की तरह। बाद में जिन स्त्रियों से मुलाकात हुई उन्होंने मुझसे प्रेम नहीं किया, शायद मुझे उसके योग्य नहीं समझा। मैंने देखा वो उस पहली स्त्री को याद करती थी, उसी की आहट सुनती थी, उसी के स्पंदनों से भरी हुई होती थी, उसी के स्पर्शों को पहने रहती थी, उसी को देखती रहती थी अंधेरे में खिले फूल की तरह। कवि मंगलेश डबराल को नमन।